क्वेश्चन है इस सेशन का आपकी स्क्रीन पे, यह है जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन जो 7th जैन की मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था। बोले इसमें क्या है, बोले ये थोड़ा एक ना रिलेवेंट बेटर क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स, मीन्स ये एक ना आइडेंटिटी रिलेशन है ना। साथ में बोला कि हमें एक इंटीग्रल है वन अपॉन ए प्लस बी, ए इंटीग्रल ए टू बी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, मतलब इन चारों इंटीग्रल में किसके इक्वल है। मीन्स ये जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है ना, उसकी हेल्प से हम लोगों को इस इंटीग्रल को रिड्यूस करना है इन चारों में से किसी एक में, वो देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहला फोकस अपन लोगों होगा कि जो आइडेंटिटी रिलेशनशिप दिया हुआ है वो है क्या, है ना, उस पर नजर अपन लोग डालते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशनशिप दिया है कि एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स इट इज एफ एक्स, है ना। बोले ये किस एक्स के लिए है, बोले फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, इट इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बोले इससे क्या होगा, बोले ये इसका मतलब ये है कि एक्स की जगह पे कुछ भी चिपका दो, है ना, तो उससे लेफ्ट राइट में, है ना, जो लेफ्ट में चिपका वही राइट में, तो अपने को ये रिलेशन हम तब उसके लिए भी वैलिड रहेगा। बोले अच्छा तो ऐसा कर दो कि रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वन, बोले वो एक्स जहां पे है ना उसको एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर दो। बोले अच्छा करके देखते हैं, तो यहां होगा एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस वन, जहां एक्स है वहां पे अपन लोग क्या रखेंगे एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन लेफ्ट में। बोले राइट में क्या होगा, बोले राइट में होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वन। बोले इससे क्या हुआ, बोलेंगे अब ये वन और ये माइनस वन बैलेंस हो गया, तो अपने पास एक रिलेशनशिप आ गया एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ना दिस इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन, लेट इट बी रिलेशन नंबर टू। ठीक, तो अगर ये सेकेंड रिलेशन है तो इसका यूज आप क्या करेंगे, बोले अभी देखते तो जाओ, है ना, अपन लोग जब अभी इंटीग्रल को उड़ाएंगे फिर इसका इस्तेमाल होगा, है ना। कहां पे फूल देखते हैं, अब इंटीग्रल क्या है वन अपान ए प्लस बी, है ना, इसको जो रिड्यूस करना। तो अगर हम लोग इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल है आई इज लेट इट बी आई इज इक्वल टू वन अपान ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी, है ना, और ये है एक्स इन ब्रेकेट एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन का डीएक्स। ठीक है, ये चीज है, बोले ये इंटीग्रल है। बोलेंगे अपन लोगों ने एक रूल सीखा हुआ था, रूल क्या सीखा हुआ था कि अपन लोग यहाँ पे जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो इट इज सेम है, ये वाला जो रूल आपने सीखा हुआ था कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ, अब जो ये आपके पास ये लिमिट है दोनों का एडिशन ए प्लस बी, और जो भी अपने पास यहाँ पे इंटीग्रेंड है वहां पे अपना इनपुट एक्स यहाँ पे माइनस एक्स कर दो, तो ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बोले इसका इस्तेमाल अपन लोग अगर यहाँ पे करें, है ना, तो क्या होगा, बोले देखते हैं क्या होता है। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपान ए प्लस बी, ये तो पहले से रहेगा, बोलेंगे अच्छा, बोलेंगे ए टू बी एक्स, एक्स की यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि a प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसे। अब बोले ब्रेकेट में क्या होगा, लेंगे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस यहां पे है f ऑफ x प्लस वन, तो जब इसके अंदर हम लोग यही फंडा अपनाएंगे तो आएगा a प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स, जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा dx। इससे क्या हुआ, बोलेंगे अभी हम लोगों ने ना जो रूल नंबर वन और टू पढ़ा था तो ये तो गिवन था कि f ऑफ a प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स एफ एक्स है, तो ये तो एफ एक्स है। ठीक है, और ये वाला चीज अभी हम लोगों ने जब x को x प्लस वन से रिप्लेस किया था ये वाली जो क्वांटिटी आई थी एफ ऑफ एक्स प्लस वन आया था ऐसा।
तो अगर हम लोग ना ये वाली चीज यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से होगा, 1/a+b और a to b a+b - x और इन ब्रेकेट, अब ये हो जाएगा f(x+1) और ये हो जाएगा प्लस f(x) dx। There it be रिलेशन नंबर 4 और ये रिलेशन नंबर सपोज दैट आपका 3। अगर हम इन थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दें, इन दो रिलेशंस को ऐड कर दें, ले एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर ये दो रिलेशंस को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट i और i लेफ्ट में 2i हो जाएगा, राइट में अपने को 1/a+b है ना, हालांकि ये बैलेंस भी हो जाएगा और यहाँ पे आएगा a to b a+b, वहां पे x और -x था तो ये हो जाएगा a+b और साथ में ये वाला दोनों में कॉमन है, कौन सा f(x) + f(x+1 dx। अब क्या होगा, ये a+b ऊपर नीचे बैलेंस हो गया तो अपने पास आया 2i इज इक्वल टू a to b f(x) + f(x), या आप ना अभी कंबाइनिंग करो f(x+1) dx, इस टाइप का आ गया। अब आप चाहो बेटा लो ना तो इसको सेपरेट कर दो ना दो फंक्शन में, तो आएगा a to b f(x) dx ऐसे, और फिर कर दो यहां पे a to b f(x+1 dx और साथ में हम लोग चाहें तो फिर यहां से इट इज इक्वल टू a to b f(x) dx, इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए। और साथ में ये जो x+1 है इस पे अगेन वही रूल अपनाइए, कौन सा कि a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a+b - x) dx, अगर वो वाला फंडा अपनाए इस पे तो आएगा f के अंदर है ना a+b + 1 - x dx। अब ये खुद अगर हम लोग यहां से देखें तो शुरुआत में ही ये दिया है कि दिस इज इक्वल टू f(x) है ना, दिस इज इक्वल टू f(x), ये रिलेशन अपने को गिवन है, तो अपने पास आ क्या जाएगा, बोलेंगे आएगा 2i इज इक्वल टू a to b f(x) dx प्लस a to b, अगर हम लोग यहां से देखें तो ये वाला जो हम रिप्लेस कर देंगे इसको f(x) से तो ये अगेन ये भी आ जाएगा a to b f(x) dx। अब आपके पास क्या हो गया कि 2i इज इक्वल टू, अब देखो दोनों सेम आ गए ना, तो बेसिकली i इज इक्वल टू आ गया a to b f(x) dx। लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने ना इस बार चालाकी कर दी, अभी a to b f(x) dx में रिड्यूस हो गया लेकिन ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, बोले ना तो फिर अपन लोग इसको रिप्लेस करके देखते हैं आगे क्या बोलेंगे ना, लेट जो x है ये t+1 ऐसे, बोले इससे क्या हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे dx हो जाएगा dt और जो अपर जो हमारा इंटीग्रल रिड्यूस होगा है ना, जो लोअर लिमिट होगी जब x की वैल्यू a रखेंगे तो t की वैल्यू आएगा a-1 और जब x की वैल्यू b रखेंगे तो t की वैल्यू आएगी b-1 और अपने पास f के अंदर आएगा t+1 dt। तो अभी क्या हुआ, हमारा इंटीग्रल ऐसे रिड्यूस हो गया, तो अपन लोग ना फिर अगेन चाहें तो क्या करें कि ना वेरिएबल चेंज कर दीजिए, होता है a to b f(x) dx इज सेम एज a to b f(t) dt है ना, वेरिएबल चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे अपन लोग इसको x वाले नोटेशन में यूज करने के लिए फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं a-1 से b-1 f(x+1 dx। तो ये फर्दर आपके पास रिडक्शन आ जाएगा।
है ना। तो उस सेंस में एक ना यहाँ पे अपन लोगों ने देखा ये क्वेश्चन एक बेटर क्वेश्चन की तरफ मूव कर गया, तो यहां से अपन लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसमें जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि ए जो एफ एक्स जब इंटीग्रैंड है तो हमारा लिमिट ए टू बी एफ एक्स ए टू बी आ रहा है, तो ये पहले दो ऑप्शन इस वजह से नहीं हुए, तो हम लोगों ने इस पे ट्राई किया एक्स प्लस वन प्लेस करके कि इन जो इनपुट है वहां पे एक्स प्लस वन करें तो क्या होता है, तो अपने को इसकी लिमिट ए माइनस वन से बी माइनस वन बन जाता है। इस वजह से ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। तो कई बार अपने को इस क्वेश्चन से हम लोगों को क्या टेक अवे रहा, कई बार इस तरीके से आइडेंटिटी रिलेशन दे के एक तो अपने को हम लोगों ने रिवाइज किया कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और साथ में इंटीग्रल का एडिशन वगैरह रूल देखा और फिर ये रिड्यूस करते करते गए। तो कई बार आपके पास रिडक्शन के बाद भी जैसे इस स्टेज के बाद भी हमारा आंसर नहीं मिला तो हम लोग इसको फर्दर रिड्यूस किए, है ना। पहले दो ए और सी में ये ऑप्शन नहीं था तो अपन लोगों ने बी और डी वाले ऑप्शन में देखा तो अपना काम हो गया। ठीक है, तो अपन लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने ये रहा, ये जेई मेन 2020 का सेवंथ सेम को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे यहाँ पे अपने को इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटीग्रल थीटा वन टू थीटा टू कॉस स्क्वायर थ्री थीटा डी थीटा, जहाँ पे थीटा वन क्या है वो थीटा टू से छोटा है। बोले लेकिन थीटा वन थीटा टू है क्या, बोले ना ये इस अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसका सोल्यूशन है, किसमें जीरो से टू पाई में। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, विद इन जीरो से टू पाई हम थीटा वन थीटा टू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक बार जब वैल्यू आ जाएगी तो इस में इस वाले इंटीग्रल में लिमिट की जगह पे थीटा वन थीटा टू की वैल्यू रिप्लेस करके फिर इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बोले देखे कैसे होता है, बोले बहुत आसान है, इसमें अपने को टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। तो सबसे पहले अपन लोग थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है टू कॉट स्क्वायर थीटा, टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस फाइव अपान साइन थीटा प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया। बोले अब क्या करें, बोले अपने को एक फंडा पता है तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें कि जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इट बिकम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, है ना, माइनस अच्छा वन अपान साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव कॉसेक थीटा और प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। बोले इससे क्या हुआ, बोले ये कॉसेक थीटा में एक क्वाड्रेटिक बन गया, है ना, टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉसेक थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। यहाँ का जो टू का माइनस आएगा इस फोर के साथ बैलेंस होके ये प्लस टू बना देगा। बोले इसको अगर अपन लोग फैक्टराइज कर दें कॉसेक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है कॉसेक थीटा में, तो बाय स्प्लिटिंग मीडियन टर्म मेथड अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें तो ये बन जाएगा टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। बोले इससे क्या हुआ, बोले ये एक ना इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा टू कॉस, अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक फैक्टर बन जाएगा टू कॉसेक थीटा माइनस वन और एक फैक्टर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब अपने पास दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है, या तो पहला जीरो या तो दूसरा जीरो, तो अगर हम इस वाले को जीरो को इक्वेट करें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा वन बाई टू, और अगर हम लोग इस वाले को बोलें तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू टू। अब ये वाला जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, इट इज रिजेक्टेड। बोलेंगे क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, बोलेंगे कॉसेक थीटा के जो बाउंड्री होती है ये वन या वन से बड़ा होता है,
या माइनस वन या उससे छोटा होता, कभी भी माइनस वन और वन के बीच में नहीं होता। तो ये वन बाई टू है जो माइनस वन से वन के बीच की क्वांटिटी है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अब अपने पास आया कॉसेक थीटा जो है वो टू है, साथ में दिया भी है थीटा क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा जीरो से टू पाई के बीच में है। तो अगर हम लोग जीरो से टू पाई के बीच में इस कॉसेक थीटा इक्वल टू का सोल्यूशन फाइंड करें तो एक ना थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय सिक्स पे कॉसेक थीटा की जो वैल्यू है वो टू आ जाएगी। एक दूसरा आ जाएगा थीटा टू, क्योंकि थीटा वन इज लेस देन थीटा टू है, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने उसी फॉर्म में रखा फाइव पाई बाई सिक्स, ये चीज आ गई। तो यहां से थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू आ गई। अब अपन लोग इंटीग्रल पे ध्यान दें कि जो हमें कैलकुलेट करना है ना, लेट इट बी आई, इंटीग्रल ऐसे था थीटा वन से थीटा टू कॉस स्क्वायर थ्री थीटा डी थीटा ऐसे। तो सबसे पहले हम इसका ना बाउंड्री रिप्लेस कर दे रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो गया पाई बाई सिक्स से फाइव पाई बाई सिक्स। और जी अपने पास एक फंडा पता है, क्या पता है कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है इट इज वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड ओवर टू। तो अगर हम लोग यहां इस वाले फंडे को यहां पे अपनाएं तो ये ना कॉस स्क्वायर समथिंग है, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ दैट थिंग मीन्स हो गया सिक्स थीटा अपॉन टू डी थीटा। तो अगर हम लोग इसको प्रॉपरली इंटीग्रेट करें तो वो एक तो हो गया वन बाई टू है ना डी थीटा, तो जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा बाई टू। दूसरा हो जाएगा यहां पे वन बाई टू कॉस सिक्स थीटा है ना, तो कॉस सिक्स थीटा का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन सिक्स थीटा अपॉन सिक्स ऐसे आ जाएगा। अब लिमिट आपका है पाई बाय सिक्स से लेके फाइव पाई बाय सिक्स। तो अगर जब हम यहां पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि थीटा बाय टू वाले में रिप्लेस करें तो वन बाई टू और ये आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय सिक्स, और दूसरे वाले में रिप्लेस करें वन बाई टू। अब क्या हुआ यहां पे, जब हम इनफैक्ट ये वन बाई ट्वेल्व आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन सिक्स थीटा, तो जब हम यहां पे फाइव पाई बाई सिक्स रिप्लेस करेंगे तो ये हो गया साइन ऑफ फाइव पाई माइनस साइन ऑफ पाई। अब क्या होगा, साइन एन पाई जीरो होता है तो इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, साइन फाइव पाई की वैल्यू भी जीरो और ये भी जीरो। तो होल क्वांटिटी जो सेकेंड टर्म है ये आ जाएगा जीरो। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 तो बोलेंगे 4 पाई बाय 6 बोले 2 पाई बाय 3 तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या पाई बाय। तो जो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 3। तो बोले इससे हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 6 थीटा है ना, यानी कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल क्या होगा, और बाकी अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया। फिर अपन लोग नेक्स्ट, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का सेवंथ जैन की इवनिंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बोलेंगे इसमें क्या है, बोले हमें ना एक रिलेशनशिप दिया हुआ 4 अल्फा इंटू इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 टू 2 e पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स डीएक्स इक्वल टू 5 है ना, तो इसमें अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन लोग कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, बोलेंगे अपन लोग इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अल्फा में कोई एक्सप्रेशन आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बोले अच्छा करके देखते हैं है ना। तो अगर हम लोग इस रिलेशनशिप जो दिया हुआ है इसको हैंडल करें, तो रिलेशनशिप अपने को दिया हुआ है कि 4 अल्फा इंटू माइनस 1 से 2 इंटू ई पावर इंटीग्रेशन है माइनस अल्फा मॉड एक्स डी एक्स इक्वल टू 5 है ना, ये दिया हुआ। अब बोले इसको इंटीग्रल को कैसे हैंडल करेंगे है ना,
बोलेंगे इंटीग्रल को हैंडल करने कर लेंगे अपन लोग यहाँ पे, लेकिन e पावर माइनस अल्फा मॉड एक्स है ना, तो अपने को पता है कि मॉड एक्स जो है वो जीरो के अराउंड अपनी डिफिनीशन चेंज करता है, मीन्स अगर कोई क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ी है तो मॉड एक्स एक्स होता है ना। तो अपन लोग यहाँ पे अगर रिवाइज कर लें कि जो मॉड एक्स का पैटर्न होता है, इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो है ना। तो इसको यहां से मॉड रिमूव करने के लिए हम लोग ब्रेकिंग ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बोले ब्रेकिंग ऑफ इंटीग्रल क्या है, जैसे बोलेंगे हमारी लिमिट है माइनस वन से टू, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे है ना। तो ब्रेक कर देंगे तो कैसे आएगा, लेट इट बी फोर अल्फा, इसको तो आप बाहर रहने दो। अगर हम इस इंटीग्रल को ब्रेक करें कहां से कहां तक ब्रेक करें, एक तो क्या माइनस वन से जीरो है ना, तो माइनस वन से जीरो हो गया तो e पावर आएगा माइनस अल्फा। अब बोले अगर देखो यहां पे लिमिट है माइनस वन से जीरो, तो अगर x माइनस वन से जीरो है तो लेस देन जीरो यानी इस वाली कैटेगरी में है, उसका जो मॉड x आएगा वो माइनस x आएगा, तो अपने पास यहां पे क्या आएगा माइनस x dx प्लस, दूसरा ब्रेकिंग किया जीरो से लेके टू और ये हो जाएगा e पावर माइनस अल्फा इनटू। अब देखो अगर अपना लिमिट है जीरो से टू, तो अगर x जीरो से टू है तो जीरो यानी जीरो या जीरो से बड़ा है तो मॉड x x हो जाता है, ये डायरेक्टली यहां पे आएगा x और ये dx, जो भी क्वांटिटी है 5 के इक्वल। अब ये ब्रेकिंग ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगा दिया है ना। तो बोले इससे क्या हुआ, बोलेंगे इससे क्या हुआ, हमारा इंटीग्रल निकालना आसान हो गया। से ये माइनस इसके साथ मिलके प्लस कर देगा, ठीक है, तो ये बेसिकली होगा e पावर अल्फा x हो गया। तो e पावर अल्फा x जब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो आएगा e पावर अल्फा x डिवाइडेड बाई अल्फा है ना, और लिमिट क्या है माइनस वन से जीरो, ठीक। तो यहां पे इंटीग्रल लगा दिया प्लस, अभी यहां पे है e पावर माइनस अल्फा x, बोले इसका इंटीग्रल क्या होगा, बोले e पावर माइनस अल्फा x डिवाइडेड ओवर माइनस अल्फा और आपका लिमिट क्या है जीरो से टू, यहां पे ऐसे लिमिट चिपका दिया। इसके बाद इसको फाइव से इक्वेट कर दिया, ठीक है। अब अपन लोग लिमिट की वैल्यू रखते हैं है ना, तो लिमिट की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले अपर लिमिट पे ध्यान दें, फोर अल्फा तो आप बाहर रहने दो, तो अपर लिमिट पे ध्यान दें तो जीरो रखें, तो ई पावर जहां एक्स है वहां पे जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा ई पावर ना जीरो दैट इज वन, तो ये हो जाएगा वन बाई अल्फा है ना माइनस, जब वहां जहां पे x है वहां पे माइनस वन रखेंगे हुआ e पावर माइनस अल्फा, ये बेसिकली हो गया वन माइनस e पावर माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, ये वाली चीज। दूसरे में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ना क्वांटिटी जो है वो x यहाँ पे टू रख देंगे तो ये हो जाएगा e पावर माइनस टू अल्फा, e पावर माइनस टू अल्फा है ना, और प्लस अपने पास ये आ जाएगा, अगर जीरो रख देंगे तो ये अगेन आपके पास आ जाएगा वन, तो ये अपने पास आ जाएगा टोटल डिवाइडेड बाई अल्फा, यहां भी डिवीजन में अल्फा ही है, ठीक है, तो ये वाला चीज है। तो इस तरीके से अब आप देखो दोनों में के डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इस स्टेप के बाद अपन लोग यहां से देखते हैं कि हमारा जो ये अल्फा में क्वाड्रेटिक बन रहा है ये कैसा दिखता है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रेकेट 2 माइनस e पावर माइनस अल्फा माइनस e पावर माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 5। तो ये देखने से लग रहा है कि ये e पावर माइनस अल्फा में क्वाड्रेटिक है, तो लेट t इज इक्वल टू e पावर माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दें ना। तो बोलेंगे इससे क्या हुआ, बोलेंगे अपना ये क्वांटिटी बन जाएगा 8 माइनस 4t माइनस 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है ना। तो अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक सब कुछ वन साइड मिलाएं ये होगा 4t स्क्वायर प्लस 4t एंड ये हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो अगर हम लोग इसको बाय स्प्लिटिंग मिली टर्म फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
एक फैक्टर यहाँ से देखने से लग रहा है कि एक फैक्टर अपन लोग यहाँ पे अगर 2t कॉमन ले लें तो हो गया, एक फैक्टर हो गया 2t माइनस 1, दूसरा वाला फैक्टर हो जाएगा 2t प्लस 3। अब यहाँ से t क्या, इस वाले अभी इक्वल टू 0, तो अगर इस वाले से देखें दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0, या तो पहला 0 या तो दूसरा 0, तो यहाँ से t की वैल्यू जो है आ जाएगा हाफ, है ना, और यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगा माइनस 3/2। अब ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, बोले क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, है ना, बोले इसलिए रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि t क्या है, e पावर माइनस अल्फा है, तो ये पॉजिटिव है ना, तो ये, और यहाँ पे आ गया माइनस 3/2, इस वजह से ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक्सेप्ट कौन सी होगी, t इक्वल टू हाफ, तो अगर हम t इक्वल टू हाफ देखें, है ना, तो इससे अल्फा क्या आएगा, तो e पावर माइनस अल्फा ही t था, और इसकी वैल्यू अगर हाफ ले लें, है ना, तो यहाँ से आप देख लो दोनों तरफ का ln ले लो, तो हो गया अपने को ln e पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू ln 1/2। तो यहां से आपके पास आएगा क्या कि ये माइनस अल्फा है e पावर, तो होगा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ln 1/2 इज माइनस ln 2, तो होगा माइनस ln 2, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई ln 2, तो ये आपका अल्फा की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ln की अल्फा की वैल्यू आ गई ln 2, तो यहां से ये सही हो जाएगा। बोलेंगे इस क्वेश्चन से हम लोगों का क्या टेक अवे रहा, बोले कभी अगर इस तरीके से ना ऐसे इंटीग्रैंड में ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए जो अपनी डिफिनीशन लिमिट के अंदर चेंज करे, जैसे माइनस 1 से 2 के बीच में मॉड एक्स अपनी डिफिनीशन चेंज कर रहा है, तो अपन लोग ब्रेकिंग ऑफ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और साथ में फिर ना ई पावर अल्फा एक्स या ई पावर माइनस अल्फा एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ये ध्यान में रखेंगे, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है कि इतना इंटीग्रल दिया आई 1 से 2 डीएक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x³ - 9x² + 12x + 4। तो हमें आई या आई स्क्वायर की बाउंड्री में से पता करना है कि कौन सा सही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का 8th जैन को यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, बोलेंगे इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो बाउंड्री आपके पास दिया है 1 से 2, तो 1 से 2 में ये जो इंटीग्रैंड है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x³ - 9x² + 12x + 4, इसका मोनोटोनिक नेचर पता करके हम लोग ये पता कर लेते हैं कि ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, और फिर इनइक्वालिटी में अपन लोग इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके जो भी आई है उसकी बाउंड्री पता कर लेंगे। एक बार आई की बाउंड्री पता चल गई तो आई स्क्वायर की भी बाउंड्री पता चल जाएगी। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना। तो सबसे पहले जो इंटीग्रैंड है ना, उसका अगर एक्स 1 से 2 है तो इंटीग्रैंड के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या जा रहा है वो देखते हैं। तो लेट अपने को हम लोग इंटीग्रैंड को सपोज कर लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x³ - 9x² + 12x + 4। ये जो आपके पास इंटीग्रैंड है ना, तो इसका पहले आप ना मोनोटोनिक नेचर पता करो मैक्सिमम, सो दैट कि हमें बाउंड्री पता चल जाएगा इसकी। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, है ना, तो बोलेंगे क्या आएगा, तो बोलेंगे अगर अपन लोग यहाँ पे है ना 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ समथिंग है, तो पहले तो अंडर रूट को वाले को डील करना है, तो ये आएगा ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/2, है ना, और ये आएगा जो भी ये क्वांटिटी है 2x³ - 9x² + 12x + 4, ये क्वांटिटी इसका यहाँ पे डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगा 3/2। न्यूमरेटर में क्या और क्या बचेगा, बोलेंगे ये जो आपके पास क्वांटिटी है इसका डेरिवेटिव, तो क्या बन जाएगा, आएगा 6x² - 18x + 12, ये बन जाएगा। तो अपन लोगों ने इसको ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो बोले इससे क्या हुआ,
तो बोलेंगे अगर अपन लोग न्यूमरेटर में दिख रहा है कि हमें 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लिया तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि माइनस ऑफ 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस टाइप का बन गया, और अपॉन डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो रहेगा 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 होल पावर 3/2 ऐसे। अब क्या हुआ कि जो क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके रूट्स क्या हैं? वैसे भी वो आप ये बड़ा प्यारा सा है ना, आप लोग 9th क्लास से डील करते आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है ना। तो अपने पास अगर हम लोग यहां से ये हो गया एफ डैश एक्स, क्या हुआ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स को फर्दर हम लोग फैक्टराइज कर दें तो ये होगा माइनस 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन ये जो भी अपने पास क्वांटिटी था 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 होल पावर 3/2 इस तरीके की क्वांटिटी बन गई। अब अपने को क्या हो देखना कि अगर यहां पे x 1 से 2 है ना, तो अब आप देखो अपने को जो इंटीग्रल लेना है 1 से 2 लेना, बस उसी रीजन में हम लोग फोकस करेंगे। तो बोलेंगे इफ जो हमारा x है ये 1 से 2 के बीच में है, तो अगर x अपना जो है 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा, और पहले से आपका यहाँ नेगेटिव चिपका हुआ है ना, तो इससे इसका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। अच्छा डिनोमिनेटर बाई डिफॉल्ट पहले क्योंकि यहाँ पे आपको 3/2 लेना था, ये पॉजिटिव है ना, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट है। तो यहां से बोलेंगे इफ एक्स बिलोंग्स टू 1 टू 2 तो इट मींस जो f डैश x है ना वो क्या है पॉजिटिव है। तो अगर f डैश x पॉजिटिव है इसका मतलब अपने को आता है कि फंक्शन जो हमारा fx है इज इंक्रीजिंग इन 1 टू 2, 1 से 2 के इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा क्या है इंक्रीज करेगा है ना। तो इसका मतलब जो है f की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 1 पे आएगा और f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2 पे आएगी। तो अपने को जो fx है इसकी बाउंड्री पता चल गई, क्या पता चला कि ना जो इसका मिनिमम है f मीन है ना, तो ये हो जाएगा f1 से बड़ा हो जाएगा और ये किससे छोटा हो जाएगा f ऑफ 2 से, ठीक है। तो अपन लोगों के पास जो fx दिया है इसमें 1 अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो f1 यहाँ से आएगा 2 माइनस 9 है ना, 2 माइनस 9 तो हो जाएगा माइनस 7 और प्लस ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 तो ये बेसिकली हो गया आपका f1 कैलकुलेट किया। तो अपन लोग अगर f2 कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 दैट इज 16 और ये हो गया अपना 9 इंटू 4 36 है ना, तो ये होगा 16 36 तो इसका टोटल क्यूमुलेटिव होगा माइनस 20 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा 28 तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 यहाँ, तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 बाई अंडर रूट 8 इस टाइप का बना। तो अब यहां से अपने पास fx की बाउंड्री आ गई, बोले अब क्या करें, बोले ना अपन लोगों के पास अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आता है ना, तो 1 से 2 के लिए ये वैलिड है तो अपन लोग 1 से 2 में इंटीग्रेट कर लेंगे तो वही ऑर्डर आएगा, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 3 1 to 2 dx is less than 1 to 2 fx dx is less than 1 by under root of 8 na
वन से टू डीएक्स, ठीक है। इस तरीके से आपके पास वही ऑर्डर उनके इंटीग्रल का भी रहेगा, तो बोलेंगे वन से टू एफ एक्स डी एक्स जो है यही तो आपका आई है, है ना। तो यहां से अपने पास आई की बाउंड्री आ गई। अब देखो यहां से कैलकुलेट कर लो, वन बाई थ्री कॉन्स्टेंट है, फिर टू माइनस वन वन आ जाएगा, तो यहां से आएगा वन बाई थ्री, ये डायरेक्टली आ जाएगा और यही आपका आई है। क्या आई है? वन से टू एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स जो आपने वो सपोज किया हुआ, और फिर ये आ जाएगा इज लेस देन वन बाई अंडर रूट ऑफ एट। तो हम लोग यहां से देखते हैं कि आई की जो बाउंड्री दिया हुआ था सी और डी में, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग आई स्क्वायर निकालते हैं। बोलेंगे अगर भी कोई भी क्वांटिटी है ना, कोई भी एक क्वांटिटी है आई जो दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में है, तो स्क्वायरिंग का क्या रूल है, है ना। बोलेंगे स्क्वायरिंग के जो रूल होते हैं, अगर ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में है तो उनका स्क्वायर भी उसी ऑर्डर को फॉलो करता है। तो बोलेंगे ये हो जाएगा वन बाई नाइन आई स्क्वायर इज लेस देन वन बाई एट। तो ये आपका जो है एक आई स्क्वायर का बाउंड्री पता चल गया। फिर अपन लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इससे मैच कर जा रहा है। यहां पे जो आई वाला आया था, देखो यहां पे कोई भी मैच नहीं किया, आई स्क्वायर की बाउंड्री वन बाई नाइन से वन बाई एट। बोले इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे रहा, बोलेंगे कभी भी आपके पास एक इंटीग्रल देके, है ना, इंटीग्रैंड देके आपको उसका ना बाउंड्री पता करना चाहे या उसके स्क्वायर का, क्यूब का, कुछ भी हो, तो सबसे पहला जो काम हम लोगों को करना होता है कि हम लोग फंक्शन को ना डिफ्रेंशिएट करके मोनोटोनिक नेचर या मैक्सिमा मिनिमा के हेल्प से हम लोग उसका बाउंड्री पता कर लेते हैं। मीन्स ये इनइक्वालिटी पता करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक बार इसकी बाउंड्री पता चल गई तो उसी ऑर्डर में उसके इंटीग्रेशन की भी बाउंड्री होती है, तो अपन लोग डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे, वही ऑर्डर फॉलो करेगा, इससे आई की बाउंड्री आ जाएगी। एक बार आई की बाउंड्री आ गई तो आई स्क्वायर की भी बाउंड्री आ जाएगी, है ना। तो अपन लोग फिर इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने रहा, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल जीरो टू टू पाई एक्स साइन एक्स पावर एट डी एक्स अपॉन साइन एक्स पावर एट प्लस कॉस एक्स पावर एट। बोले इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ना इनमें से किसके इक्वल होगी। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें जो है सही लग रहा है। तो अगर इंटीग्रल पे ध्यान दिया जाए तो ये है जीरो से टू पाई, तो अपन लोग इंटीग्रल को यहां से इवेल्युएट करते हैं। लेट आई, अगर हमने सपोज किया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टू पाई और ये है एक्स साइन एक्स पावर एट डी एक्स ओवर साइन एक्स पावर एट प्लस कॉस एक्स पावर एट। तो हम लोगों को इसका इंटीग्रल यहां पे निकालना है, ठीक है। बोले कैसे निकालेंगे, बोलेंगे एक फंडा अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। बोले कौन सा फंडा, कि एक फंडा ये है कि अगर अपने पास 0 टू 2 ए रहे यहां पे एफ एक्स डी एक्स, तो इट इज सेम एज 0 टू 2 ए एफ ऑफ 2 ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अपन लोग अगर ये पहले स्टेप ये फंडा लगाए तो हम लोगों का ये इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 0 से 2 पाई जहां पे x है वहां पे क्या रखना है 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स यहां पे चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स। अब जो अदर टर्म है जैसे साइन है इसकी पावर 8 है, तो यहां पे x की यहां पे क्या रह जाएगा 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर साइन एक्स साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होल पावर 8 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स होल पावर 8। अब अपन लोग क्या देखते हैं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन पावर यहां पे 8 है, इवन है, तो उसके माइनस से ये बैलेंस हो जाएगा। कॉस 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स हो जाएगा, तो इस पे तो पावर ना भी रहता तो भी अपना वही ऑप्शन आता। तो यहाँ पे आपके पास ये आएगा 0 से 2 पाई, 2π-x साइन एक्स पावर 8 dx अपॉन साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8। अगर हम लोग ना जो पहला है इंटीग्रल और ये जो दूसरा इंटीग्रल है इस पे नजर डालें, तो यहां पे आपके पास जो टर्म है एक तो x है और यहां पे 2π-x है ना, बाकी सारे अदर जो इंटीग्रैंड के एक्सप्रेशन हैं सब सेम है। तो अगर हम लोग ना दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दें तो चूंकि सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो बोलेंगे एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड कर लिया बेटा। तो क्या होगा कि लेफ्ट में तो 2i आ जाएगा, राइट में क्या बचेगा कि 0 से 2π, और ये बन जाएगा x प्लस 2π-x इंटू साइन एक्स पावर 8 dx अपॉन साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8। अब क्या हुआ, बोलेंगे ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और यहां पे 2 है, यहां भी 2 आएगा, 2π इसके लिए बचेगा इफेक्टिव वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये i कुछ इस तरह से आ जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से 2 पाई, यहां पे पाई बचेगा, 0 से 2 पाई, ये आएगा साइन एक्स पावर 8 अपॉन साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8, और ये आपका dx इस तरीके से। बोले अब क्या करें, बोले अपने को फिर हम इंटीग्रेशन के अलग फंडे लगाते हैं, तो बोलेंगे उसमें क्या फंडा है, बोलेंगे अगर कभी भी ऐसा हो कि f of 2a minus x है ना ये fx हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 to 2a जो fx dx होता है, fx dx इट इज सेम एज 2 times 0 to a fx dx। बोले इससे क्या होगा, बोलेंगे अपन लोग क्या देखते हैं कि अगर हम जहां पे x है यहां पे 2a-x रखें इंटीग्रैंड में है ना, तो अपने को चूंकि पावर इवन है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 2π-x रखने से, तो फिर अपन लोगों के पास जो एक्सप्रेशन आएगा वही आएगा, तो ये फंडा हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2π 0 to π है ना साइन एक्स पावर 8 अपॉन साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8, और ये dx। बोले अब क्या करें, बोले अभी भी आप देखो है ना, तो यहां पे जो फंडा ये लग रहा है कि अगर हम इस पाई को फील करें 2 into π/2 है ना, तो फिर ये देखेंगे कि एक्सप्रेशंस अपने पास अभी भी जो ये वाला फंडा अभी भी लग रहा है कि 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a fx dx है ना, ये वाला इफ f of 2a-x इज इक्वल टू fx, तो जो फंडा अभी इसके पहले लगा है वही फंडा एक बार फिर से उसी सीक्वेंस में एक बार फिर से आप रिपीट कर दो। जब आप ऐसा रिपीट करेंगे तो इंटीग्रल जो i की वैल्यू आ जाएगी, i इज इक्वल टू एक्सप्रेशन में क्या था 0 से 2π आउटसाइड है, तो अगेन हम यहां पे फंडा इस्तेमाल करेंगे तो 2π into 2, तो ये टोटल हो जाएगा 4π, और ये आएगा 0 से π/2 साइन एक्स पावर 8 dx अपॉन साइन एक्स पावर 8 प्लस कॉस एक्स पावर 8। लेट इट बी रिलेशन नंबर आपने थर्ड, सपोज ये थर्ड रिलेशन। अब क्या करें,
बोलेंगे अपने को ये पता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये फंडा इसमें फिर से रिपीट कर अपन लोगों ने यहां पे लगाया तो क्या होगा, हमारा इंटीग्रल आई बन जाएगा 4 पाई, है ना, अब जीरो से पाई बाई टू। अब न्यूमरेटर में जो साइन है, अगर हम यहाँ पे x यहाँ पे रखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा cos x पावर 8, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा cos x पावर 8 dx अपॉन, अब चूंकि यहाँ पे ये cos बनेगा और यहाँ पे साइन बनेगा तो डिनोमिनेटर तो वही बैलेंस रहेगा, तो ये हो जाएगा sin x पावर 8 + cos x पावर 8। बोले अब क्या करें, बोले लेट इट बी रिलेशन नंबर 4। अब दोनों को आप ऐड कर लो, है ना, क्यों, देखो सेम लिमिट है और सेम डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो बोलेंगे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर इन दोनों को ऐड किया, है ना, तो अपने को ना बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला क्या है, लेफ्ट में तो 2i आ जाएगा, राइट में आ जाएगा 4π, है ना, और 0 से π/2, और यहां पे सिंपली 1 बचेगा, है ना, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, जब न्यूमरेटर हो जाएगा तो डिनोमिनेटर को बैलेंस कर देगा। अब इसका इंटीग्रल तो बहुत आसान है ना, तो यहां से अपन का जो i की वैल्यू आ जाएगी तो 2 से एक बैलेंस हो जाएगा और ये पाई बाई टू, तो 2π × π/2 तो हो जाएगा π² ना, ये आपका एक। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या टेक अवे है, क्या हम लोगों ने रिवाइज किया कि 0 to a to b f(x) dx इज सेम एज a to b f(a + b - x) dx। फिर हम लोगों ने यूज किया कि अगर f(2a - x) fx है तो 0 से 2a f(x) dx इज सेम एज twice of 0 to a f(x) dx, है ना, ये वाला भी रिवाइज किया। और इसके बाद फिर यहाँ पे अगेन हम लोगों ने वही a to b वाले में अपन लोगों ने फंडा अपनाया a to b f(x) dx, और इससे अपना क्वेश्चन आ गया, और देखो कौन सा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये JEE Main 2020 के 9th जैन का मॉर्निंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस ट्रेन के सामने ये रहा कि एक फंक्शन है fx जो क्वाड्रेटिक है a + bx + cx² abc रियल नंबर ऑब्वियसली, बोलेंगे 0 to 1 f(x) dx इन चार ऑप्शन में किस से टैली करेगा, है ना, तो अपने को क्या देखना है, f0 देखना है, f1 देखना है और f(1/2) देखना। तो आगे अपन लोग सोल्यूशन फ्रेम करने से पहले देख लेते हैं ये है क्या, ये JEE Main 2020 का 9th जैन की मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन, बोले इसको कैसे हैंडल करेंगे। बोलेंगे सबसे पहले अपन लोग ना ये जो चूंकि जो भी आंसर आएगा ना उसमें ब्रेकेट के अंदर 3 क्वांटिटी है f0 f1 और f(1/2), तो सबसे पहले अपन लोग ना इसी को कैलकुलेट करते हैं भाई ये है क्या, है ना, तो इसके बाद फिर इंटीग्रल को उसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। तो बोलेंगे अच्छा, तो यहाँ पे है ना अगर जो fx का पैटर्न देखें ना a + bx + cx², बोले तो f0 क्या होगा, बोलेंगे जहां x है वहां 0 रख दो, f0 की वैल्यू हो जाएगी a। बोलेंगे f1 क्या होगा, बोलेंगे जहां x है वहां पे 1 रख दो तो ये आएगा a + b + c। बोलेंगे f(1/2) क्या होगा, क्योंकि ऑप्शन में इसमें भी फॉर्म को एक्सप्रेस करना है, बोलेंगे जहां x है वहां 1/2 रख दो तो ये आ जाएगा a + b/2 + c/4। बोले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो ये कुछ इस टाइप का आएगा 4a + 2b + c/4, कुछ इस टाइप का आएगा। तो ये जो आपके पास थ्री फंक्शनल वैल्यूज हैं इसी के फॉर्म में इंटीग्रल को एक्सप्रेस करना है। इंटीग्रल बहुत आसान, जो भी इंटीग्रल है आई लेट इट बी ये 0 to 1 f(x) dx, तो 0 to 1 f(x) dx, तो अगर हम क्वाड्रेटिक की वैल्यू रख दें तो ये आएगा 0 to 1 और a + bx + cx² होल का dx, तो पावर वाला फार्मूला लगा देंगे तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा ax + bx² / 2
प्लस सी एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, अब लिमिट क्या है, जीरो टू वन है ना। तो जो भी इंटीग्रल की वैल्यू आएगी तो अपन लोग यहाँ से लिमिट सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आई की वैल्यू आ जाएगी, जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा, वन रखने पे आएगा ए प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई थ्री। बोलेंगे अच्छा एलसीएम लेके देखते हैं, तो अगर हमने एलसीएम लिया तो वन बाई सिक्स तो बाहर आएगा, इन ब्रेकेट क्या बचेगा, सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी, ये बना। बोले अब क्या करें, बोले जितने भी ऑप्शन हैं उसमें आपको एफ जीरो एफ वन और एफ ऑफ वन बाई टू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बोले इनमें से एफ जीरो पहले सेपरेट करो, तो बोलेंगे एफ जीरो सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जीरो की वैल्यू है ए है ना, तो ये अच्छा तो इसको सेपरेट रखा। बोले एफ वन क्या है, बोले ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो अगर आपने यहां से एक यहाँ पे आप देखो तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर रखेंगे जो सिक्स ए प्लस थ्री बी है प्लस टू सी, ये बचेगा क्या, बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना ए बच जाएगा, फोर ए, कितना भी इस्तेमाल हुआ है, वन टाइम इस्तेमाल हुआ है तो टू टाइम्स बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टू बी, और सी वन टाइम्स इस्तेमाल हुआ तो वन टाइम्स ये बच जाएगा, तो ये कुछ इस टाइप का बना है ना, ऐसे बन गया। अब क्या हुआ कि अगर हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू क्या है एफ जीरो, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है एफ वन। और अगर हम लोग ध्यान दें ना कि फोर ए प्लस टू बी प्लस सी क्या है, तो एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट किया था वहां वो अगर आप यहां से देखें कि फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, इसका मतलब अगर हम फोर से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फोर ए प्लस टू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, फोर एफ ऑफ हाफ है ना। तो वही वैल्यू अपन लोग यहां पे चिपका देंगे तो ये हो जाएगा फोर एफ ऑफ हाफ। तो इस तरीके से ये चीजें एक्सप्रेस हो गई। अब देख लेंगे कि इसको करेक्ट करने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो वही अपना सही हो जाएगा है ना। कि तो हम लोगों का फाइनल वैल्यू आई वन बाई सिक्स एफ जीरो प्लस एफ वन प्लस फोर एफ ऑफ हाफ, तो एफ जीरो प्लस एफ वन प्लस फोर एफ ऑफ हाफ, तो ये वाली वैल्यू आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन ये है कि कई बार आपको ऑप्शन थोड़ा सा एक्सप्रेस करने है तो हल्का फुल्का लिटिल बिट एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। तो अपन लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, ये जे मेन 2019 के 8 अप्रैल की मॉर्निंग सेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे हमें एक एफ एक्स दिया और एक जी एक्स दिया है ना, तो हमें एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है जो आपका माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर जी एफ एक्स है ना, मीन्स का इनके कंपोजिशन का इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। क्योंकि एफ एक्स का दिया है जी एक्स दिया है तो जी एफ एक्स अपन लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करके उसका इंटीग्रल कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो इंटीग्रल यहां से अपने को बनेगा लेट इट बी आई, तो ये है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर जी एफ एक्स डी एक्स। तो चूंकि जी एक्स एल एन एक्स है और एफ एक्स अपने को टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स कॉस एक्स है, वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आएगा ये माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर एल एन एफ एक्स का एक्सप्रेशन है टू माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स कॉस एक्स, टू प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स लेट इट बी आई। ठीक है, तो अगर ये सपोज दैट ये रिलेशन नंबर वन। अब अपने को पता है कि अगर हम लोग यहां पे ये फंडा इस्तेमाल कर लें, फंडा क्या है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इट इज सेम एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बोले ये यही वाला फंडा इस्तेमाल कर लो तो जो हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट होके आएगा वो क्या आएगा, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर और एल एन यहां पे रहेगा बेटा, और इन साइड में आपके पास जहां पे एक्स है वहां पे क्योंकि माइनस पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर तो ए प्लस बी जीरो हो जाएगा और माइनस एक्स,
मीन्स इफेक्टिवली हम x को माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स, जहाँ x वहाँ पे माइनस रखते हैं, और cos ऑफ माइनस x cos x होता है। तो अगर वो फंडा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स cos x, और अपान क्या आएगा 2 माइनस एक्स cos x dx, लेट इट बी रिलेशन नंबर 2, है ना। अब अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे ln के अंदर सपोज p by q है ना, तो अगला क्या है q by p है। तो अगर हम अलग अलग तरीके हैं, डायरेक्टली रेसिप्रोकल के वे में देखते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो एडिशन में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एडिंग 1 एंड 2, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों के एडिशन से अपने पास क्या आएगा 2i, यहां पे 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, है ना। यहां पे एक एक जो पहला टर्म है वो ln प्लस के रहेगा, दूसरा अभी प्लस के साथ ln के साथ आएगा, तो अपन लोग ln m प्लस ln n क्या होता है ln mn, तो हम लोग डायरेक्टली वही वाला फंडा यहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये आ जाएगा कि 2 माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स कॉस एक्स इनटू 2 प्लस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये बेसिकली बन जाएगा ln 1, और ln 1 क्या होता है 0, है ना। तो ये बेसिकली ऐसे बना माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ln 1 dx, और ln 1 क्या होता है 0, तो इससे अपने पास 2i is equal to आ जाएगा 0, तो यहां से i की वैल्यू आ जाएगी 0। अब जितने भी ऑप्शन है उसमें कहीं 0 वाला ऑप्शन नहीं है, उसको हल्का सा इन्होंने ना मजाक कर दिया, क्या मजाक कर दिया, इस 0 को अगेन ln 1 कर दिया। हम लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रल 0 है तो उसको ln 1 भी बोले तो क्या बुरा है, है ना, क्योंकि ln 1 की भी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहां से जितने भी ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, है ना, ln 1, ln 3, ln 2, ln e, इसमें ln 1 जो है ना इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है ये एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेटर क्वेश्चन है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो एडवांस में भी आते हैं, इसको आप लोग पर्टिकुलरली रिवाइज कर लीजिएगा एक दो बार। बोलेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या रिलेशन दिया गया है, देखा जाए एक अपने को रिलेशन दिया है एफ एक्स को 0 to x जी टी डी टी, है ना, और जी के बारे में इंफॉर्मेशन दो है, जी इज नॉन जीरो, साथ में इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन का आइडिया इस्तेमाल करेंगे, और साथ में एक और दिया, एक तो यहाँ पे एफ और जी का एक और रिलेशन दिया, साथ में बोला कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जी एक्स, एक अगेन रिलेशन दिया, तो उसके बिहाफ पे पूछा कि 0 से एक्स एफ टी डी टी को इन चारों ऑप्शन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अपन लोग ना ऑप्शनल एनालिसिस में बेसिकली हमें अपने इंटीग्रल को इनमें से किसी एक में रिड्यूस करना, बोलेंगे कैसे रिड्यूस करेंगे, बोलेंगे थोड़ा सा ऑप्शन पे गौर करते हैं, थोड़ा नजर डालते हैं, तो अपने को दिख रहा है कि हमारी लिमिट या तो 5 to x + 5 है या तो x + 5 to 5 है, और जबकि अपने को जिस इंटीग्रल को रिड्यूस करना है वो 0 to x है, तो अपन लोग को ऐसा वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह पे कि पहले ये लिमिट बैलेंस हो जाए, या तो x + 5 to 5 आ जाए या तो 5 to x + 5 आ जाए, है ना, और साथ में ये जो इंफॉर्मेशन है इनका यूज करेंगे। सबसे पहले अपन लोग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं जो पहला दिया है ना, कि इससे क्या क्या अपन लोग कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं और उसका क्या इस्तेमाल है। तो जो पहली कंडीशन आपके पास दिया है कि हमारा जो एफ एक्स है ना वो क्या है 0 to x जी टी डी टी, है ना, जी टी डी टी। तो अब आप यहां से देखो कि अगर हम x यहां पे 0 रखें तो एफ 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना, एफ 0 की वैल्यू 0 है, और साथ में ये भी है सिंस g क्या है इवन है, g इज इवन, तो अगर हम लोग इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा दें कि हमारा इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है और साथ में एफ जीरो की वैल्यू 0 है, तो ये जो एफ एक्स होगा वो इवन होगा कि ऑड होगा,
तो बोलेंगे f क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन है। बोलेंगे कैसे, है ना, एक बोलेंगे कैसे होगा, बोलेंगे अपन को अगर इसके दो तरीके हैं, या तो यहां पे f ऑफ x यहां पे माइनस x रख के यहां पे माइनस कर देंगे, और फिर t की जगह पे कुछ माइनस जेड वेरिएबल रिप्लेस कर देंगे, तो फिर वहां से हो जाएगा, या आप इसको डिफ्रेंशिएट करके भी ये काम देख सकते हैं। ठीक, तो एक चीज अपने पास आइडिया आया कि अगर f जीरो जीरो है और g इवन है तो f ऑड फंक्शन होगा। अब अपन लोग ना जो इंटीग्रल है ना, इस पे ध्यान देते हैं। इंटीग्रल अपने को जो रिड्यूस करना है जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, इसके बारे में आइडिया लेना है ना, और अपन लोग एफ ऑड है इसका इस्तेमाल अभी करेंगे। अब हमें जो लिमिट चाहिए था जो जिसमें भी अपना रिड्यूस करना है, या तो 5 टू x प्लस 5 है या x प्लस 5 से 5 है, तो हम लोग वेरिएबल चूज करते हैं। क्या चूज करते हैं, लेट t प्लस 5 इज इक्वल टू सम z। इससे क्या होगा ना कि अगर t की वैल्यू 0 है ना, तो z की वैल्यू आ जाएगी 5, अगर t की वैल्यू जो है x है तो z की वैल्यू 5 प्लस x आ जाएगा। तो ये जो हमारा लिमिट वाला सेटिंग है वो यहां से सेट हो जाएगा, तो अपन और बाकी डी टी इक्वल टू डीजे आ ही जाएगा। तो यहां से अपने पास फंक्शन आएगा, इंटीग्रल कैसे कन्वर्ट हो जाएगा कि टी की वैल्यू जीरो, फाइव टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा, एक्स प्लस फाइव, और एफ के अंदर जहां टी था तो टी क्या हो जाएगा, जेड माइनस फाइव, जेड माइनस फाइव, और डी टी डीजेड है तो ये होगा डी जेड। इस तरीके से अपने पास एक नया इंटीग्रल आ गया। अब अपन को किसी की हेल्प से ये जो आपके पास f ऑफ z माइनस फाइव है ना, इसको अगर अपन लोग थोड़ा सा मॉडिफाई किसी g वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते तो अपना ऑप्शन किसी ना किसी से मैच कर जाता। बोले कैसे करेंगे, तो बोलेंगे अभी तो सीखा है क्या कि अगर जो जो हमारा फंक्शन f है जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से f ऑड है, तो f ऑड होने से क्या होगा कि जो f ऑफ z प्लस फाइव है, f ऑफ जेड प्लस फाइव, तो इसको अपन लोग क्या कर सकते हैं कि अगर इसमें से माइनस वन कॉमन ले लें, है ना, मीन्स एफ ऑफ माइनस वन और इंटू क्या कर दें यहाँ पे, ये हो गया फाइव माइनस जेड, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब चूंकि एफ ऑड है तो ये माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ ऑफ फाइव माइनस जेड, इस तरीके से, है ना। तो जो ये अपना इंटीग्रल है वो कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रल अपना दिखेगा इंटीग्रल आई 5 टू x प्लस फाइव माइनस ऑफ एफ ऑफ फाइव माइनस जेड, ऐसे है ना, डी जेड यहाँ पे रहेगा। चलो ये ठीक है, ये माइनस सपोज बाहर आ गया, ठीक है। अब अपने पास एक जो रिलेशन है जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, वो ये दिया कि जो f ऑफ x प्लस फाइव है ना, इट इज जी एक्स, इट इज जी एक्स, तो यहां पे देखो 5 माइनस जेड है, यानी x यहां पे अगर अपन लोग माइनस एक्स रख दें तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि f ऑफ जो है 5 माइनस एक्स यहां से रखें, जहां x वहां पे माइनस एक्स से रख दो तो क्या हो जाएगा, g ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, g क्या है, इवन है, तो g ऑफ माइनस एक्स ही क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, क्योंकि g इवन फंक्शन है ना। तो अपने पास ये आया f ऑफ 5 माइनस एक्स जी एक्स है, तो f ऑफ 5 माइनस जेड क्या होगा, चीजेड होगा। तो वही अपन लोग इंफॉर्मेशन को यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स 5 टू एक्स प्लस फाइव, है ना, एफ ऑफ जो क्वांटिटी था 5 माइनस जेड, उसकी जगह पे हम लोग डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जी ऑफ जेड, जी ऑफ जेड डी जेड, बोले अब सॉरी डी जेड। तो यहां से फिर क्या होगा कि अब यहाँ ये जो ये माइनस है इसको बैलेंस कर लेने के लिए हम लोग लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा x प्लस फाइव टू फाइव, है ना, और ये हो जाएगा जी जेड डी जेड, या अपना इसको t के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहो यही हो जाएगा x प्लस फाइव टू फाइव जी टी डी टी, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपना इंटीग्रल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अपन लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रिलेवेंट बैठ रहा, तो उसको टिक मार के आगे मूव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेटर ऑप्शन x प्लस फाइव टू फाइव जी टी डी टी वाला ऑप्शन बन रहा है। यहां से फिर हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि अगर कभी भी कोई फंक्शन है ना
नॉन जीरो इवन फंक्शन है तो जीरो टू एक्स जो जी टी डी टी है, अगर एफ जीरो जीरो है तो बाई डिफॉल्ट अपना फंक्शन ऑड फंक्शन बन जाता है, और उसके बाद तो आप प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके रिड्यूस कर रहे हो ना। तो चलो बच्चा लोग, आप लोग इंजॉय करो, फिर अपन लोग अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसमें थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा और रिवाइज करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।